छपरा में रिश्वतखोर पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ एसपी लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। मुफस्सिल थाने के पुलिस गश्ती दल द्वारा बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली की जा रही थी, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। जी हां, वीडियो के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए महिला दरोगा समेत चार बिहार के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिस कर्मियों पर मुफस्सिल थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। एसपी ने बताया है कि वीडियो में मुफस्सिल थाना की महिला सहायक अवर निरीक्षक प्रतिमा कुमारी, सैप के चालक घर भरण राम, सिपाही खेमचंद कुमार, सिपाही हरेंद्र रॉय शामिल हैं। बताया है कि वीडियो जांच में सही पाई गई है और उसके आधार पर सभी दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर FIR दर्ज की गई है। दरोगा समेत सभी दोषी पुलिसकर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अवैध वसूली आदि का ऑडियो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने पर सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साक्ष्य उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि छपरा जेल चार पुलिसकर्मी भेजे गए हैं और बालू लदे वाहनों से वसूली करते हुए इनका वीडियो भी सामने आया था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। जी हाँ, रिश्वतखोर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एसपी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुफस्सिल थाने के पुलिस गश्ती दल द्वारा बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली की जा रही थी, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए महिला दरोगा समेत चार बिहार के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों पर मुफस्सिल थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। बता दी चले, दरोगा समेत सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा अवैध वसूली आदि का अगर ऑडियो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी और हम जो हमको बताएगा उसकी पहचान हम लोग गुप्त रखेंगे और उसकी पहचान सामने नहीं आ पाएगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।